नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट वन लेकर मैं हाज़िर हूं नीरज कुमार क्या था आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट 19 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो कि सभी नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम 2020 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सो फ्रेंड्स लेट्स बेग इन द वीडियो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट वन क्वेश्चन नंबर वन Chest पोजिशन ऑल्सो नोन एज नी चेस्ट पोजिशन को हम और किस नाम से जानते हैं सही जवाब है Position. पोजिशन Chest पोजिशन को हम जैनुपैक्टोरियल पोजिशन के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स इस इमेज में आप देख सकते हैं नीचेस्ट पोजिशन या पैक्टोरियल पोजिशन इस पेशेंट में पेशेंट को चेस्ट और नी के ऊपर लेटाते हैं नीचेस्ट पोजिशन का उपयोग मुख्य रूप से सिग्मोइडोस्कोपी के दौरान किया जाता है सिग्मोइडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कोलोन और रेक्टम का विजुअलाइजेशन किया जाता है इस पोजिशन का एक अन्य इम्पॉर्टेंट यूज़ है कोड प्रोलैप्स के दौरान क्वेश्चन नंबर टू रेक्टल ट्यूब शुड नॉट बी प्लेस्ड मोर देन मिनट्स इन बॉडी रेक्टल ट्यूब को शरीर में कितने मिनट से ज्यादा नहीं इंसर्ट करके रखना चाहिए सही जवाब है बीस मिनट रेक्टल ट्यूब को बीस मिनट से ज्यादा रेक्टस में नहीं छोड़ना चाहिए इससे वहाँ के मसल्स में रिलैक्सेशन हो सकता है रेक्टल ट्यूब का उपयोग फ्लैटस पास के लिए भी किया जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री ड्रग यूज़ टू डायलेट प्यूपिल। आई में हमारी प्यूपिल्स को डायग्नोसिस पर्पस के लिए डायलेट करने के लिए किन मेडिसिन का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए माइड्रियाटैक्स ऑप्शन बी मायोटिक्स ऑप्शन ए माइड्रियाटिक्स इज़ अ राइट आंसर ऐसी दवाइयाँ जो कि प्यूपिल को डायलेट करने में उपयोग की जाती हैं माइड्रियाटिक्स कहलाती हैं इसके अलावा ऑप्शन बी है मायोटिक्स मायोटिक्स ऐसी ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जिनका उपयोग करके हम प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ सब क्यूटेनियस इंजेक्शन सब क्यूटेनियस इंजेक्शन को हम कितने डिग्री एंगल से इंसर्ट करते हैं राइट right आंसर है 45 डिग्री सब क्यूटेनियस इंजेक्शन एंगल ऑफ इंसर्शन है 45 डिग्री सब क्यूटेनियस इंजेक्शन को हम हाइपोडर्मल इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं इस इंजेक्शन को सब क्यूटेनियस में दिया जाता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का उपयोग मुख्य रूप से इंसुलिन हिपेरिन और वैक्सीन्स जैसे मिज़ल आदि को लगाने में किया जाता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को चार साइड्स पर मेनली लगाया जाता है फर्स्ट है आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म बिलो द कोस्टल मार्जिन टू आई क्रस्ट ऑन एबडामिन एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई एंड लास्ट है अपर बैक्टीरिया सब क्यूटेनियस इंजेक्शन के द्वारा हम एक एम ड्रग को इंजेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स सब क्यूटेनियस इंजेक्शन को थोड़ा और इजी बना देते हैं आपने अक्सर देखा होगा ओल्ड एज पर्सन जो कि शुगर के पेशेंट हैं अक्सर वह इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन लेते हैं उनके पास जो पतली सुई होती है इंजेक्शन होता है उसमें आप एक एम इंसुलिन भर सकते हैं और उस इंजेक्शन पर जो मार्किंग होती है एक एम को 100 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है जितनी ज़रूरत होती है जितने यूनिट इंसुलिन उन्हें चाहिए उस मार्किंग को देखते हुए वो इंसुलिन बॉटल से विड्रॉ करते हैं और सब क्यूटेनियस रूट द्वारा अपने बॉडी में इंसर्ट कर लेते हैं इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शंस की इंट्रामर इंजेक्शन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा रूट है जिसमें इंजेक्शन के द्वारा ड्रग को हम मसल्स में इंजेक्ट करते हैं इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन में एंगल ऑफ इंसर्शन होता है 90 डिग्री यानी स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल से इंसर्ट किया जाता है इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन की चार इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं वेंट्रोग्लूटियल साइट वेस्टस लेट्रैलिस साइट डॉर्सोगलूटियल साइट माइल डेल्टॉइड साइट वेंट्रोगलूटियल साइट का उपयोग मेनली अडल्ट किया जाता है यह आपके हिप वाले एरिया को बोला जाता है इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन यदि इन्फेंट और टोटलर एज ग्रुप के बच्चों को देना है तो हम वेस्टस लेट्रैलिस साइट का उपयोग करके मेडिसिन को मसल्स में इंजेक्ट करते हैं वेस्टस लेट्रेलिस साइट होती है बच्चों की थाई में एंट्रो लेटरल एस्पेक्ट नेक्स्ट साइड है डेल्टोइड साइड डेल्टोइड साइट का इस्तेमाल वैक्सीनेशन के लिए मेनली किया जाता है इस रूट का उपयोग करके हम एक एम तक मेडिसिन यहाँ इंजेक्ट कर सकते हैं इरिटेटिंग ड्रग को इस रूट से नहीं देना चाहिए अपर आर्म के लेटरल तथा अपर एक्सपेक्ट का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का एक और इम्पॉर्टेंट रूट है इंट्राडर्मल रूट इंट्राडर्मल रूट का उपयोग करके हम 0.5 पॉइंट से कम ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं इस रूट का उपयोग मेनली ड्रग की सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए किया जाता है बी वैक्सीनेशन में भी इसी रूट का इस्तेमाल किया जाता है इंट्राडर्मल रूट में एंगल ऑफ इंसर्शन होता है 15 डिग्री के एंगल इंट्राडर्मल इंजेक्शन की कॉमन साइट में से सबसे इंपॉर्टेंट है इनर सरफेस ऑफ आर्म। क्वेश्चन नंबर फाइव इंफ्लामेशन ऑफ स्टमक कॉल्ड ऑप्शन ए स्टोमेटाइटिस ऑप्शन बी गैस्ट्राइटिस स्टमक में यदि इंफ्लामेशन हो जाए तो इस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है स्टोमेटाइटिस या गैस्ट्राइटिस सही जवाब है गैस्ट्राइटिस यदि स्टमक में इन्फ्लामेशन है तो आप इस कंडीशन को गैस्ट्राइटिस कहेंगे और स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ इन्फ्लामेशन साइड ऑफ माउथ इस क्वेश्चन को कंपिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और स्टोमेटाइटिस और गैस्ट्राइटिस में बच्चे अक्सर कम कन्फ्यूज रहते हैं स्टोमेटाइटिस इस में जो स्टोमा वर्ड है उसका मतलब होता है ओपनिंग हमारे माउथ की जो ओपनिंग है हमारा जो बकल कैविटी है हमारा जो माउथ है अगर उसमें किसी तरह की इन्फ्लमेशन होती है सूजन आती है तो इस कंडीशन को स्टोमेटाइटिस कहा जाएगा और यदि हमारे पेट में स्टमक में आमाशय में किसी तरह की सूजन है तो हम इस कंडीशन को गैस्ट्राइटिस कहेंगे याद रखने का सिंपल तरीका है स्टोमा मतलब ओपनिंग माउथ में ओपनिंग होती है गैस्ट्राइटिस गैस बनती है आपके पेट में क्वेश्चन नंबर सिक्स इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन कॉल्ड अनैच्छिक रूप से यदि आप यूरिन पास कर देते हैं तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ऐसी क्रिया जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है नियंत्रण नहीं है और वॉलेंट्री शब्द का मतलब है ऐसी क्रिया जिस पर आपका कंट्रोल है नियंत्रण है सही जवाब है एन्यूरेसिस इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन कॉल्ड एन्यूरेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन विच एनिमा टाइप इज यूज टू रिलीव इन्फ्लमेशन इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए किस प्रकार का एनिमा दिया जाता है सही जवाब है एस्ट्रीजेंट एनीमा इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए एस्ट्रीजेंट टाइप का एनीमा दिया जाता है फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए थैंक यू आइए एनिमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं रेक्टम के द्वारा यदि आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन या न्यूट्रिएंट सब्सटेंट को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में तो इस प्रोसेस को एनीमा कहा जाता है एनीमा लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। यहाँ पर जो आप एस्ट्रीजियंट एनिमा का टाइप पढ़ रहे हैं यह एक मेडिकेटेड इवेक्यूएंट एनिमा का सब टाइप है इसका उपयोग करके हम इन्फ्लामेशन को ठीक करते हैं इस प्रकार के एनिमा द्वारा ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है मेडिकेटेड इवेक्यूएंट एनिमा के कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जैसे ऑयल एनिमा ऑयल एनिमा का उपयोग करके आप फिकल मैटर को सॉफ्ट बना सकते हैं यह जनरली कॉन्स्टिपेशन के मरीजों को दिया जाता है इसी का एक प्रकार है पुरगेटिव एनिमा पुरगेटिव एनिमा का इस्तेमाल करके हम पेरिस्टाइलिस मूवमेंट को स्टिमुलेट करते हैं जिससे पेशेंट का बाउल क्लियर हो सके इसी में एक एंटी हेलमेंटिक टाइप का एनीमा भी आता है जिसका उपयोग अगर किसी व्यक्ति के पेट में कीड़े हैं वॉम्स हैं तो उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है यदि किसी व्यक्ति में गैस की प्रॉब्लम है तो गैस को रिलीव करने के लिए फ्लैटस को पास करने के लिए कार्बिनेटिव टाइप का एनीमा यूज़ किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवेशन पी आर एन का क्या मतलब है आंसर व्हेन रिक्वायर्ड यदि आप किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में देखते हैं पी आर एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इस दवाई को जरूरत पड़ने पर देना है दिस मेडिसिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड व्हेन रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर नाइन वेट ऑफ बैंडेज फॉर हेड एंड आर्म बैंडेजिंग हेड और आर्म की बैंडेजिंग करनी है आपको कोई घायल पर्सन आपके पास आया है तो इस पर्पस के लिए आप कितनी चौड़ाई की बैंडेज का उपयोग करेंगे यदि किसी पर्सन में हेड और आर्म एरिया की बैंडेजिंग आपको करनी है तो आपको 8 से 9 सेंटीमीटर की बैंडेज यूज़ करनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज निम्न में से कौन सा वायरल डिजीज नहीं है वायरस द्वारा होने वाला रोग नहीं है ऑप्शन ए मम्स ऑप्शन बी स्मॉल पॉक्स ऑप्शन सी चिकन पॉक्स ऑप्शन डी टाइफाइड फीवर सही जवाब है ऑप्शन डी टाइफाइड फीवर मम्स स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स यह सभी रोग वायरस द्वारा होते हैं जबकि टाइफाइड फीवर यह बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है और इस रोग का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी मम्स डिजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं मम्स डिजीज़ को हम पैरोटिडाइटिस के नाम से भी जानते हैं पैरोटिडाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड हमारी माउथ में पाए जाने वाली एक सलाइवरी ग्लैंड है जिसमें सूजन आना पैरोटिडाइटिस या मम्स डिजीज का पहला इंडिकेशन माना जाता है मम्स डिजीज़ मिक्सो वायरस के द्वारा होता है मिक्सो वायरस आर वायरस टाइप है मम्स डिजीज़ कंडीशन का इनक्यूबेशन पीरियड होता है दो से तीन सप्ताह का लगभग अट्ठारह दिन यह एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है मम्स डिजीज़ कंडीशन में पैरोटिडाइटिस के साथ साथ फ़ीवर होना इम्पोर्टेंट सिम्टम्स में से एक है इसके कॉम्प्लिकेशन के फलस्वरूप औरचाइटिस मैनिजाइटिस आदि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मम्स की रोकथाम के लिए एमएमआर वैक्सीन का उपयोग किया जाता है इसकी डोज होती है 0.5 पॉइंट इसे सब क्यूटेनियस रूट से दिया जाता है और 15 से 18 वर्ष की उम्र में लगाया जाता है अब बात करते हैं स्मॉल पॉक्स डिजीज़ की स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस द्वारा होने वाला डिजीज़ है इसका इनक्यूपेशन पीरियड लगभग 12 दिन का माना जाता है यह भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात की जाए तो सडन ऑनसेट ऑफ फीवर अचानक से पेशेंट को बुखार आता है और बुखार आने के तीसरे दिन उसके स्किन पर रैशेज़ अपीयर होते हैं दाने निकल जाते हैं और यह सभी रैशेज़ सेंट्रीफ्यूगल इन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स में हेड एक बैक वॉमिटिंग और कभी कभी कन्वर्जेंस तक भी आ सकते हैं स्मॉल पॉक्स डिजीज़ अब इस दुनिया से जा चुका है 8 मई 1980 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स डिक्लेयर किया था यानी इस पृथ्वी से स्मॉल पॉक्स बीमारी ख़त्म हो चुकी है अप्रैल 1977 में भारत को स्मॉल पॉक्स फ्री घोषित किया गया था चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स वेरीसेला जॉस्टर वायरस द्वारा फैलने वाला डिजीज़ है इस वायरस को हम ह्यूमन एल्फा हर्पिस वायरस थ्री के नाम से भी जानते हैं चिकन पॉक्स डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है लगभग पंद्रह दिन यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इन्फेक्शन है जो कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट से फैलता है इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम की बात करें तो सबसे पहले पर्सन को इन्फेक्टेड पर्सन को फीवर आता है और फीवर आने के साथ ही 24 घंटे के अंदर ही उस पर्सन में रैशेज अपीर होते हैं दाने निकल आते हैं यह इसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम है स्मॉल पॉक्स में हमने देखा था कि सडन फीवर आने के तीन दिन के बाद या तीसरे दिन रैशेज़ आते हैं और चिकन पॉक्स कंडीशन में फ़ीवर आने के सेम डे 24 घंटे के अंदर अंदर पर्सन में रैशेज़ आ जाते हैं और ये जो रैशेज़ होते हैं सेंट्रीपिटल इन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं यानी कि एबडोमिन जो सेंट्रल पार्ट होता है बॉडी का उसमें जैसे ट्रंक वाला हिस्सा है उसमें ज़्यादा दाने निकलेंगे रैशेज निकलेंगे फेस और एक्सट्रीमिटी वाले पोर्शन में कम रैशेज निकलेंगे चिकन पॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए वेरिसला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिलीन बहत्तर घंटे के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है क्वेश्चन नंबर इलेवन नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल होता है लगभग 100 से 106 सौ छह एम ई क्यू पर एल मिली इक्वेलेंट पर लीटर स्मिथ टेस्ट इज यूज फॉर स्मिथ टेस्ट किसके लिए किया जाता है बाइल साल्ट के असेसमेंट के लिए बाइल पिगमेंट के असेसमेंट के लिए राइट right आंसर है बाइल पिगमेंट के असेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन द ड्रिप शुड बी हैंग्ड ऑन द हाइट ऑफ यदि आप किसी पेशेंट में ड्रिप चढ़ा रहे हैं बोतल लगा रहे हैं तो जो बोतल की हाइट है पर्सन की बॉडी लेवल से कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए ऑप्शन ए 18 से 24 सेंटीमीटर्स ऑप्शन बी 18 से 24 इंच राइट आंसर लगभग 18 से 24 इंच सीपेज ऑफ फ्लूड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू डिसलॉजमेंट ऑफ नेडल कॉल्ड यदि किसी पेशेंट में इंट्रावीनस ड्रिप लग रही है और अचानक से जो नेडल है वेन को छोड़कर डिसलॉज हो जाती है कहीं और निकल जाती है इस कंडीशन में जो फ्लूड है वो सब टिश्यू में चला जाता है ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है सही जवाब है इनफिल्ट्रेशन नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एट्रियल ब्लड 90 से 100 एम एम ऑफ एच जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वाइटल साइंस कोलैप्सिंग पल्स को हम और किस नाम से जानते हैं ऑप्शन ए वाटर हैमर पल्स ऑप्शन बी बाउंडिंग पल्स सही जवाब है ऑप्शन ए वाटर हैमर पल्स कोलैपसिंग पल्स को हम वाटर हैमर पल्स के नाम से भी जानते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले बात करते हैं कोलैप्सिंग पल्स होता क्या है पल्स विथ रैपिड अपस्ट्रोक एंड डिसेंट सीन इन एरोटिक regurgitation किसी पल्स का अचानक से अपस्ट्रोक यानी ऊपर आना और फिर डिसेंट हो जाना कोलैप्सिंग पल्स कहलाता है यह मुख्यतः एरोटिक रिगर्गीटेशन कंडीशन में देखने को मिलती है यदि किसी पर्सन में कोलैप्सिंग पल्स या वाटर हैमर पल्स मौजूद है तो आप कह सकते हैं कि पर्सन में एरोटिक रिगर्गीटेशन हो सकता है कोलेपसिंग पल्स के कुछ और भी नाम हैं जैसे इसे वाटसन वाटर हैमर पल्स या कैनन बॉल पल्स या फिर पल्स सेलर के नाम से भी जानते हैं चार नाम हो गए कोलैपसिंग पल्स या फिर वाटसन वाटर हैमर पल्स या फिर कैनन बॉल पल्स या फिर पल्स सेलर फ्रेंड्स वाइटल साइन में पल्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं पल्स की डेफिनेशन की हर्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के कारण आर्टरी में रिदमिक एक्सपेंशन और रिकॉयल होना पल्स कहलाता है हर्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के कारण आर्टरी में ब्लड जाता है और इस ब्लड के जाने के कारण आर्टरी का एक्सपेंशन और रिकॉयल होना पल्स कहलाता है हमारी बॉडी में जो पल्स रेट एग्जैक्ट होती है वह हार्ट रेट के बराबर मानी जाती है यानी पर मिनट लगभग बहत्तर पल्स आती हैं 72 बीट्स आती हैं लेकिन एक नॉर्मल रेंज सेट की गई है 60 से 100 के बीच यदि किसी पर्सन में 60 से 100 के बीच अडल्ट पर्सन में 60 तो टू 100 के बीच पर मिनट यदि पल्स है तो हम इसे नॉर्मल मानते हैं यदि किसी पर्सन में एडल्ट पर्सन में पल्स रेट 100 से ऊपर चली जाती है 100 पल्स पर मिनट हो जाती है 100 बीट्स पर मिनट हो जाती है तो इस कंडीशन को हम टैकीकार्डिया कार्डिया कहते हैं यदि पल्स रेट 60 से कम हो जाती है तो इस कंडीशन को हम ब्रेडी कार्डिया कहते हैं जो फीटस होता है बच्चा होता है उसकी जो हर्ट रेट होती है या पल्स रेट होती है वो 140 से 160 पर मिनट के बीच मानी जाती है न्यूबॉर्न बेबी में हार्ट रेट पल्स रेट लगभग 130 से 140 पर मिनट के बीच मानी जाती है यदि हमारे शरीर का टेम्परेचर एक डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है तो हमारी पल्स रेट सात सेवन टू टेन पल्स इंक्रीज हो जाती है पर मिनट मेल्स की तुलना में फीमेल में रैपिड पल्स देखी जाती है अब बात करते हैं हम हमारी बॉडी में पल्स कहां कहां से चेक कर सकते हैं हमारे शरीर में पल्स को असेस करने के लिए आठ इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं सबसे पहली साइट है टेम्पोरल पल्स यह हमारे टेम्पोरल आर्टरी से ली जाती है जो कि हमारे हेड वाले हिस्से में टेम्पोरल बोन के पास कनपटी से लेते हैं सेकंड है कैरोटिड पल्स कैरोटिड पल्स को हम कैरोटिड आर्टरी द्वारा मेजर करते हैं असेस करते हैं यह हमारी गर्दन में पाई जाती है थर्ड है ब्रेकियल पल्स ब्रेकियल पल्स जो है हमारी एल्बो में ब्रेकियल आर्टरी के द्वारा फील की जाती है फिर आता है पॉपलीटियल पल्स पॉपलीटियल पल्स के असेसमेंट के लिए हमारे घुटने के पीछे बैक ऑफ नी में पॉपलीटियल फोसा से असेस की जाती है उसके बाद है रेडियल पल्स इसे हम रेडियल आर्टरी द्वारा असेस करते हैं यह डिस्टल एंड ऑफ रेडियल बोन से चेक की जाती है सिंपली कहें तो ये हमारे हाथ में ली जाती है कलाई से ली जाती है फिर आता है फीमोरल पल्स फीमोरल पल्स जो है हमारे ग्रोइन वाले हिस्से में फिमोरल आर्टरी से असेस की जाती है फिर है डोरसेलिस पेडिस डोरसेलिस पेडिस पल्स के असेसमेंट के लिए हम फुट को असेस करते हैं लास्ट है एपिकल पल्स हर्ट के एपेक्स पार्ट पर इसको असेस किया जाता है क्वेश्चन नंबर 17, 0.45 परसेंट नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए हाइपोटोनिक ऑप्शन बी आइसोटोनिक ऑप्शन सी हाइपोटॉनिक 0.45 परसेंट नॉर्मल सेलाइन एन जो आप हॉस्पिटल में पेशेंट को लगाते हैं वह किस प्रकार का सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक आइसोटोनिक हाइपरटोनिक सही जवाब है हाइपोटोनिक 0.45 परसेंट नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन एक हाइपोटोनिक टाइप का सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से कम होती है नेक्स्ट बात करें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की ऐसे सॉल्यूशंस जिसकी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी यानी 290 मिली ऑस्मोल के बराबर होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है इसका एग्जाम्पल है फाइव डी सॉल्यूशन जीरो पॉइंट नाइन परसेंट नॉर्मल सलाइन जो कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है फाइव परसेंट डस्ट्रोज एक्सेट्रा लास्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से ज़्यादा होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं इसके एग्जाम्पल हैं मैनीटॉल टेन परसेंट एक्सट्रोस आदि क्वेश्चन नंबर एटीन विच बोन इज प्रीफर्ड फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन बोन मैरो एस्पायरेशन के लिए कौन सी बोन का उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए आइलिय क्रस्ट ऑप्शन बी टीबिया सही जवाब है आइलिय क्रस्ट बोन एस्पायरेशन के लिए हम आइलिय क्रस्ट बोन को प्रीफर करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो इंपॉर्टेंट प्रोलोंग सक्शनिंग ऑफ ट्रेक्योस्टोमी कैन कॉज ऑप्शन ए नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑप्शन बी हाइपोक्सिया। ऑप्शन सी कार्डियक अरेस्ट। ऑप्शन डी बोथ ऑप्शन बी एंड सी यदि ट्रेक्योस्टोमी की लंबे समय तक सक्शनिंग की जाए तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं सही जवाब है ऑप्शन डी हाइपोक्सिया और कार्डियक अरेस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है प्रोलोंग सक्शनिंग ऑफ ट्रेक्योस्टोमी के ट्रेक्योस्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ट्रेकिया के ऊपर एक सर्जरिकल इंसीजन बनाया जाता है ओपनिंग बनाया जाता है जिससे हम ट्यूब्स को डाल के पेशेंट का रेस्पिरेशन मेंटेन करते हैं ट्रेकियोस्टोमी परमानेंट और टेम्प्रेरी दोनों हो सकती हैं ट्रेक्योस्टोमी प्रोसीजर में जो इंसीजन लगाया जाता है ओपनिंग की जाती है उसकी साइट है एट द लेवल ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया ट्रेकिया की दूसरी और तीसरी रिंग पर ओपनिंग की जाती है ट्रेक्योस्टोमी प्रोसेस में जब आप सक्षन करें तो सक्षम का टाइम दस सेकेंड से, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यदि आप पर्सन को दस सेकेंड से, से ज़्यादा सक्षम कर रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन्स होने की संभावना है पेशेंट को सक्शनिंग से पहले हाइपर ऑक्सीजिनेटेड करें उसे ऑक्सीजन दें सक्शन के दौरान न्योनेट इन्फेंट चाइल्ड अडल्ट सभी में अलग अलग प्रेशर रेंज के हिसाब से सक्शन किया जाना चाहिए सो so फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो इसमें हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने रिप्रेजेंट किया है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है से डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट